हादसा खरगोन में हुआ है। तेज रफ्तार अनियंत्रित बस नदी में जा गिरी। रोडिया पुल से बस नदी में गिरी है। बस में सवार 14 यात्रियों को चोट आई है। ड्राइवर सहित 3 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। 25 से ज्यादा यात्री बस में सवार थे। गोगावा से सनावत की ओर बस जा रही थी। गोगावा थाना प्रभारी प्रवीण आर्य ने जानकारी दी और एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देखिए। तो देखिए ये कार में मौजूद कोई शख्स जो वीडियो बना रहा होगा उसे भी अंदाजा नहीं होगा कि इस कैमरे में एक हादसा कैद होगा। वो हादसा जिसमें करीब 14 लोग घायल हुए हैं और 3 लोग ऐसे जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इन गंभीर घायलों में ड्राइवर भी शामिल है और ये पूरा हादसा बस देखिए कैमरे में कैद हुआ है। बस का ये पूरा हादसा 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर जब ये हादसा हुआ बस जो की जा रही थी लेकिन जैसे ही टर्न आया उसी दौरान ये बस अनियंत्रित हो गई और सीधे सड़क के बजाय नदी में जा गिरी। दूसरी तस्वीर देखिए हादसा होने के बाद की तस्वीरें हैं जब लोगों को बचाया जा रहा था, उनका रेस्क्यू किया जा रहा था। 14 लोग जिन्हें चोट आई है और करीब 3 लोग ऐसे हैं जिनको गंभीर हालत में भर्ती कराया गया है। तो वही जो संख्या अभी तक सामने आई है 25 से ज्यादा यात्री इस बस में सवार थे। और संवाददाता फरीद शेख फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। फरीद सबसे पहले बताइए घायलों की क्या स्थिति है? जी मेरे जो थाना प्रभारी से बात हुई थी प्रवीण आर्य उनका साफ तौर कहना था कि जो घायल हैं वो सब सामान्य स्थिति में, हालांकि इसमें ड्राइवर की जो स्थिति है वो गंभीर बताई जा रही थी और इसके अलावा 2 अन्य जो यात्री थे वो भी गंभीर होने से उन्हें खरगोन रेफर किया गया था। लेकिन हमें यहाँ पे एक और नजारा देखने में आ रहा है उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बस हादसे की जो वजह है, हालांकि प्रारंभिक तौर पर पुलिस इसे टायर फटने की घटना बता रही है, लेकिन जिस तरह से ये जो वीडियो सामने आया उसको देखकर साफ समझा जा सकता है कि बस की रफ्तार काफी तेज रही है और कहीं ना कहीं जो मोड़ है तो मोड़ पर अचानक बस अनियंत्रित हुई और वो जाकर सीधे नदी में गिर गई। हालांकि ये खरगोन जिले का एक दूसरा बड़ा हादसा कहा जा सकता है। इसके पहले दसंडा में एक बड़ा हादसा हुआ था जो बस और मोड़ की वजह से ही जो हादसा हुआ था उसमें काफी कई लोगों के मरने की बात भी सामने आई थी। इसके बाद अभी कुछ दिन पहले खरगोन में फिर एक हादसा हुआ जिसमें खड़े सड़क में बस भर रही थी और उसके बाद अब ये बड़ा हादसा, लगातार बसों के जो हादसे सामने आ रहे हैं इसमें कहने की बस जो परिवहन विभाग है उस पर भी कई सवाल निशान खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल फरीद ये तो देखिए खरगोन की बात हुई जब 5 महीने में दूसरी बार ये बड़ा हादसा हम इसे कह सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये कुछ हादसे ही नहीं है, सीधी से भी इस तरह का मामला सामने आया था। एक बस जो कि अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी थी। लाख समझाने के बावजूद और जो नियमों की बातें की जाती है उसके बावजूद भी चेकिंग भी की जा रही है लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि कभी तेज रफ्तार तो कभी अनियंत्रण बस हादसे की वजह बनता है। स्वाभाविक बात है और जिस तरह से मामले सामने आते हैं उसके बाद में हम बात करें तो चाहे वो जिला प्रशासन हो, वो चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे वो आरटीओ विभाग हो, केवल तत्परता के नाम पर दिखावे करते हैं। कुछ बसों की जांचें होती है और उसके बाद कुछ बंधन भी लगाए जाते हैं। हालांकि पिछली बार जब दसंगा बस हादसा हुआ था तो उसके बाद बसों की ओवरलोडिंग को लेकर पुलिस और आरटीओ काफी सख्त हुए थे। बसों की कुछ दिन तक चेकिंग और उसके बाद ही हम देखें तो फिर बसें यथावत उसी तरह से चलने लगी। ओवरलोड भी चलती है, अनियंत्रित होकर तेज गति में भी चलती है और जो बसों के परमिट है उस पर बड़ा सवाल खड़ा होता है कि कई बार अगर बसों के परमिट की जांच होती है तो खुद आरटीओ ऐसी बसों को जब्त करते हैं जिनके परमिट नहीं है, तो बड़ा सवाल बिल्कुल फरीद देखिए चेकिंग तो की जाती है लेकिन फिर भी हादसे सामने आ रहा है। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। इधर जशपुर की बात